सो हेलो एवरीवन, मायसेल्फ संदीप राजौर और आज हमारे साथ है पिया दास गुप्ता। हम लोग बात करने वाले हैं आज कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में। कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे अगर आप एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, खुद की कंपनी बनाना चाहते हो तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या फॉर्म्स है, क्या क्या कंप्लायंस। उन्होंने हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ एक बार में डिस्कस कर लेंगे। बट इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपको मेरे चैनल के ऊपर नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन इफ यू वॉन्ट कि अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में आपको इशू हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में हम लोग हेल्प कर देंगे। ओके राइट। सो हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे पिया से कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, मीन्स कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है तो उस सिचुएशन में क्या क्या इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करें कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता चला संदीप से कि हम लोग पहले आपको बताने वाले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप होता है उसमें हम लोग को अपना नेम अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब हम लोग का कंपनी बनेगा, कंपनी का तो एक नाम होना चाहिए ना, तो कंपनी का जो नाम है वो हम लोग पहले अप्रूव करते हैं। उसका फॉर्म आता है रन बोल के। रन में हम लोग दो कंपनी दो नाम प्रपोज करने का हम लोग को ऑप्शन मिलता है, प्रपोज नेम वन और प्रपोज नेम टू बोल के। और उसके साथ हम लोग को अपना ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है, क्योंकि जो नाम होगा उसी ऑब्जेक्ट होगा, उसी के रिलेटेड नाम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को दोनों नाम प्लस ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। वो अप्रूव होके आएगा तभी हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पीछे आगे बढ़ सकते हैं। इसका भी एक टाइम लिमिट जनरल है, किसी भी फॉर्म होगा, कुछ भी काम होगा, उसे एक टाइम लिमिट होना ही चाहिए। ये रन जब हम लोग सबमिट करेंगे, अब नाम अप्रूव होके आने के बाद अगर कोई न्यू कंपनी हम लोग इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं तो वो नाम का वैलिडिटी रहता है 20 दिन तक। हम लोग 20 दिन के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म हम लोग को भरना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसका अगर नाम हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग को वही सेम रन से अपना नाम अप्रूवल लेना पड़ता है। इन वहां पे हम लोग का नाम रिजर्वेशन रहता है 60 डेज का। तो उस 60 डेज के अंदर हम लोग का बाकी का काम, जैसे कि इसमें फॉर्म नहीं भरा जाता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस, MOA चेंजेस, सबको इंटीमेशन देना पड़ता है, वो 60 डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। इस टाइम लिमिट के अंदर अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाए तो हम लोग का ये पूरा कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से नए प्रोसीड्योर से हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा। So this is about name approval. ठीक है। Now once the name is approved, we need to move over for company incorporation. अब company incorporation के लिए हम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है SPICE बोल के। That is, you know, you must be knowing SPICE, SPICE. बिल्कुल, SPICE form. SPICE form. अब इसमें जो मान लो हम लोग जो डायरेक्टर्स होते हैं, OPC हुआ तो एक डायरेक्टर मिनिमम, प्राइवेट कंपनी हुआ तो दो डायरेक्टर मिनिमम, और पब्लिक कंपनी हुआ तो डायरेक्टर मिनिमम 3। अब ये डायरेक्टर्स के पास भी तो डिन होना चाहिए ना, तो डिन के लिए भी अलग से हम लोग DIR-3 KYC भर सकते हैं। इन हमारा जो ये स्पाइस फॉर्म है ये हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग 3 डायरेक्टर का मैक्सिमम डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोग कंपनी खोल रहे इन आप लोग का डायरेक्टर मैक्सिमम 3 है, तो आप लोग ये उन लोग के लिए अलग से DIR-3 KYC करके डिन लेने का दरकार नहीं है। आप लोग ये स्पाइस के थ्रू ही ये डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक डायरेक्टर का एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग का कोई भी फिजिकल फॉर्म साइनिंग अलाउड नहीं होता है, सब कुछ डिजिटली साइन होता है। इसलिए सारे डायरेक्टर, जो भी लोग डायरेक्टर बनेंगे, सबका DSC बनवाना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा एक ID प्रूफ लगता है, जिसमें हम लोग या तो वोटर कार्ड दे सकते हैं या पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से कोई एक दे सकते हैं, तो ये हमारा ID प्रूफ हो गया है। उसके अलावा आधार नंबर तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सभी चीज के लिए, और उसके अलावा पैन कार्ड फॉर इनकम टैक्स। ओके ओके, एंड ईच इंडिविजुअल डायरेक्टर का अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बैंक डिटेल्स, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डायरेक्टर। ओके, इसके बाद एक स्पेसिमेन कार्ड बनता है। स्पेसिमेन कार्ड में डायरेक्टर्स को अपना स्पेसिमेन सिग्नेचर देना पड़ता है, जो सिग्नेचर वो लोग यूज करेंगे फर्दर कंपनी के प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर बैंक अकाउंट मान लो सबके लिए वो लोग देंगे, वो स्पेसिमेन सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। ओके, और एक फोटोग्राफ विल बी अ वैलिड ID प्रूफ।
दीज आर द डॉक्यूमेंट्स टू। अब मान लो जहाँ पे हम लोग कंपनी बनाएंगे, कोई रेसिडेंशियल प्लेस होगा या फिर बिल्डिंग होगा, अगर वो बिल्कुल डायरेक्टर का खुद का ओनर ओनर है, वो डायरेक्टर खुद ही ओनर है, तो उनको टैक्स रिसीट और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि उसका रेसिडेंस का प्रूफ है वो सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उन लोग ने लीज पे देख के रखा है बिल्डिंग को, तो जो ओनर है उनके पास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा कि वो लोग इस एंटरप्राइज को अलाउ कर रहे हैं इस कंपनी खोलने के लिए। सो ठीक दीज है, आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। ओके, ओके ओके। अच्छा, इसके साथ साथ कोई एफिडेविट भी लगता है क्या, कोर्ट का अप्रूवल या फिर कुछ भी ऐसा? नहीं, इनिशियल में कोई एफिडेविट नहीं लगता है। ओके, नाउ हम लोग फॉर्म्स के बारे में जान चुके हैं। स्पाइस फॉर्म लगने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइमिंग, मींस ये एक कंपनी कितने टाइम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, मींस फ्रॉम इनिशियल, जब फर्स्ट टाइम एक बंदा आके आपसे बोलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है एंड वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करके आप उसको हैंड ओवर कर देते हो, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता होगा? मैक्सिमम एक पूरे प्रोसेस कंप्लीट करने में 7 to 10 days का टाइम लगता है। लेकिन ओके जैसे कि आप जानते हैं, रन का फॉर्म जो है वो 20 दिन का ही वैलिडिटी रहता है नेम के लिए। सो मैक्सिमम टाइम लिमिट इनडायरेक्टली हम लोग के पास 20 दिन का ही हो जाता है, क्योंकि उस 20 दिन के बाद अगर हम लोग स्पाइस फॉर्म भरने जाए वो ऑलरेडी इनवैलिड ही है। गॉट ठीक है, इट? गॉट इट। ओके, नाउ हम लोग बात करने वाले हैं, आई थिंक टाइमिंग आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइम में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, और कुछ भी है क्या जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय हम लोग को ध्यान रखना चाहिए? या ओके, वन मोर थिंग विच इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट द अजाइल फॉर्म। पहले ओके एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा स्पाइस फॉर्म से, इन कंपनी के उसके बाद भी बहुत सारा काम करना है, जैसे कि बिजनेस करने के लिए तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, राइट, अब उसको GST पे करना है, अपने एम्प्लॉयज को ESIPF पे करना है, अब इसके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अब अलग अलग पहले लोग रजिस्टर करते थे GST के लिए, ESIPF के नमकोट के लिए, अब एक फॉर्म आ गया है अजाइल बोल के। ये ओके स्पाइस के साथ अगर आप अजाइल फॉर्म भर दो तो उसी में आपको अपना GST ESIPF का नंबर दो तीनों मिल जा सकता है। सो दिस इज मींस आल्सो अ कंबाइंड फॉर्म फॉर ऑल द 3 मैटर्स। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते ही करते हमको पेन वेन जो भी है उसका डॉक्यूमेंट वो सब एक साथ बन के आ जाएगा हमारे पास, सब राइट? सब 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 बन के आ जाएगा। ओके, ये एक अच्छा चीज है। ओके, नाउ मैं बताने वाला हूँ कंप्लायंस के ऊपर, क्या क्या कंप्लायंस होने वाले हैं। वेट, वेर इज दैट? राइट, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या क्या चीज करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो हम लोग को बोर्ड रेजोल्यूशन नॉर्मली पास करना ही पड़ेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेट ही विद इन 30 डेज एक बोर्ड रेजोल्यूशन जाता है। एक्चुअली पेन को कुछ इशू हो गया सो लिख नहीं पा रहा। सो विद इन 30 डेज एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा ही जाएगा। विद इन 30 डेज आपको करना होगा एक बोर्ड मीटिंग। ओके, बेसिकली अगर प्राइवेट कंपनी है तो बोर्ड मीटिंग का कोई खास इशू होता नहीं है, वो तो पेपर पेन पे ही हो जाता है उनका, जो भी रेजोल्यूशन है एक साइनिंग से काम हो जाता है ना। इसमें ये लोग नॉर्मली अपना MBP 1, DIR 8, ये सब चीज वो लोग अपना अप्रूवल लेते हैं। जो बोर्ड रेजोल्यूशन में पॉइंट्स लिखे गए ये सब चीज का वो लोग अप्रूवल ले लेते हैं। कुछ खास नहीं, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होता है एंड फिर उसका साइन होता है डायरेक्टर का एंड फिर ये रेजोल्यूशन पास होता है। इसी रेजोल्यूशन के बेसिस पे अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं कंपनी के नाम पे तो उस जगह पे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस जगह उस टाइम पे ये रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन वो मांगते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट के लिए ऑलवेज मांगा जाएगा तो उस टाइम पे आपको वो रेजोल्यूशन कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का कंफर्म करना पड़ता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो फिक्स हो चुका है, दैट इज जो स्टेप जिस प्लेस पे है उस प्लेस को आपको शो करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसके लिए भी वेरिफिकेशन होता है, जो आपका डायरेक्टर है उस प्रमाइसिस पे बैठेगा उसका फोटो होगा, पूरे जो नेम प्लेट का फोटो, उस किस लोकेशन पे उसका फोटो, काफी डिटेल में ये जो डिटेलिंग जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस का ये काफी यहाँ पे डिटेल में जाता है। नेक्स्ट है, अब इसके बाद आपका जितना बोर्ड मीटिंग आ रहा है अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं, आप अपने इवेंट के हिसाब से बोर्ड मीटिंग कर सकते हो या फिर जो भी इवेंट आ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं बट जरूरी नहीं कि सारे इवेंट आए। कोई इवेंट आ गया, लोन ले लिया आपने या फिर MOA को ऑल्टर करना पड़ा, जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनाए थे कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर समय उसमें अगर कोई चेंजेस या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करना है ना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप कभी नहीं जानते हो कि ये है क्या, तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो सब कुछ लिखा रहता है जो कंपनी कर सकती है, जिस चीज को करने का कंपनी को पावर है, जो चीज कर सकती है वो MOA में लिखा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब है जो MOA में लिखा है उसको कैसे करना है
वो लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. ओके, आर्टिकल एट एनी कॉस्ट कंपनीज एक्ट के बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 से ही ये पूरा का पूरा चीज चल रहा है, तो इस वो कभी भी कंपनीज एक्ट को वॉलेट नहीं कर सकती एट एनी कॉस्ट. नाउ इसके बाद आप पूरा बोर्ड मीटिंग पूरा ईयर एंड होने आया, फिर आपको ईजीएम अपना करना होगा. ईजीएम के साथ साथ आपको अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, ये सब कुछ फाइल करने पड़ते हैं. एमडीटी 14 के लिए रिलैक्सेशन है, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको एमडीटी 14 फाइल करने का जरूरत नहीं पड़ता है. नाउ एमडीटी 14 क्या है, एमडीटी 14 जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो ना, तो एक फॉर्म जाता है आरओसी के पास, वो फॉर्म फाइल करने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है. अदरवाइज बाकी सब कुछ तो कोई इशू नहीं है आपको. आई थिंक नोटिस 21 डेज का नोटिस है, बट प्राइवेट कंपनी में उतना इशू नहीं होता है, बिकॉज डायरेक्टर भी जान पहचान के होते हैं और सारा काम हम लोग कर सकते हैं. आप आराम से नोटिस का डेट बैठा सकते हैं, राइट? एंड बोर्ड मीटिंग में भी नोटिस का कोई इशू आता नहीं है, वो पेन पेपर से ही मैनेज कर लेते हैं लोग किस डेट पे क्या बोर्ड मीटिंग करना है. बट रेजोल्यूशन और मिनट प्रॉपर बन के उनके फाइल में आ जाता है, ये बात तो श्योर है. ठीक है, नाउ साइनिंग का भी अगेन अगर एक्ट के हिसाब से चला जाए तो 30 डेज का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल कोई इशू नहीं है क्योंकि डायरेक्टर तो खुद का है, खुद के घर का डायरेक्टर, तो कोई इशू नहीं आता, वो जब भी बोलेंगे साइन कर ही देता है एंड बैक डेट पे भी साइन कर सकता है, कोई इशू नहीं आता. बेसिकली बड़ी कंपनियों में ये सब चीजों का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट छोटी कंपनी में उतना खास ध्यान नहीं दिया जाता है. सो आई थिंक मेरे एंड से तो ये सब कुछ काफी था, इतना इंफॉर्मेशन काफी था. कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ एंड 1 साल का जो प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट किया, उसके कंप्लायंस को भी हमने देख लिया एंड उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा वो सब कुछ हमने देख लिया. एक ओवरव्यू समझते ना, ओवरव्यू पूरा का पूरा, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया एंड कंपनी को आपने 1 साल तक रन कर लिया, ये हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. इसके बावजूद अगर पिया को कुछ बोलना हो तो पिया. ओके, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. जैसे कि एमओए और एओए के बारे में तुमने बताया, वो एमओए और एओए इनकॉर्पोरेशन के टाइम में आईएनसी फॉर्म 32 और 33 में जाता है, ईएमओए और ईएओए. ओके, एंड दीस आफ्टर द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड वी नीड टू कीप द कॉपीज ऑफ फिजिकल कॉपीज ऑफ ईएमओए, एमओए एंड एओए इन द रजिस्टर्ड ऑफिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ऑल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फिजिकल कॉपी पहली बार रखना बहुत इंपॉर्टेंट. उसके बाद भले ऑल्टरेशन हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखो, इट्स नॉट एन इश्यू. फर्स्ट टाइम आपको रखनी होगी फिजिकल कॉपी रखना पड़ता है. ओके, थैंक यू. सो अगर आपको अभी भी कोई इशू है कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके आपको कंप्लायंस रिलेटेड इशू है, बिकॉज कंप्लायंस सिर्फ कंपनीज एक्ट के नहीं है. आप अगर किसी स्पेसिफिक अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो वहाँ पे और भी कंप्लायंस आते हैं, आपके लेबर लॉज है, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसको आपको कंप्लाई करना पड़ता है. सो कहीं भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो हमारी कंसल्टेंसी सर्विस यूज कर सकते हैं एंड आपको ऑफकोर्स सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जरूर मिलने वाला है. ठीक है, सो आई थिंक इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच पिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे इस वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.